Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK family? I hope सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में. आज 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में. आज पूरे 20 साल हो गए इस अटैक को. ये अटैक किसने किया था? आतंकियों ने किया था. ओसामा बिन लादेन को इसके बाद में मारा गया था. और इस अटैक में क्या हुआ था, जो एक प्लेन है उसको हाईजैक करके और बड़े बड़े टावर्स थे अमेरिका के उनके अंदर से निकाल दिया था. बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी इसके अंदर और इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. इस अटैक से पहले हम बहुत बार बोला इंडिया ने कि आतंकवादी हैं, वैसे हैं, टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ग्रुप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कि चिल्ला चिल्ला के थक गए थे हम. लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी. लेकिन जब ये अटैक हुआ उसके बाद में अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है. उसके बाद में इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप है उसको टैकल करना स्टार्ट किया. FATF की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी लेकर आया गया. काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उसके बाद में लिए गए, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है. अब चलिए देखते हैं आज की कोटेशन को. आज की कोटेशन है, बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति बनिए. लेकिन किसी को ये बताने में, किसी को ये प्रूव करने में कि मैं अच्छा हूँ, अपना टाइम कभी वेस्ट मत कीजिए. क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कलयोशन के साथ में. विद्यांजलि 2.0 ये एक पोर्टल है जो रिसेंटली न्यूज़ में आया है. किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है. तो चलिए इसको देख लेते हैं. जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो शिक्षक पर्व को एड्रेस कर रहे थे, उस टाइम पर ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया. इसका मेन रीज़न क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके अंदर कम्युनिटी और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों को ही इन्वॉल्व किया जा सके, उनको पार्टिसिपेशन है उनका वो बढ़ाया जाए. इसके अंदर क्या किया जाएगा, स्कूल्स के अंदर वॉलंटियर्स हैं उनको लेकर आया जाएगा. इंडियन डायस्पोरा से जैसे कि यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको स्कूल एलुमनी हैं सर्विसेज लाई जाएंगी. रिटायर्ड टीचर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल्स हैं और भी काफ़ी सारे फील्ड हैं जिनके अंदर लोग काम करते हैं, तो उनको वॉलंटियर बनाकर यहाँ पर लाया जाएगा. विद्यांजलि इसकी दो वर्टिकल्स हैं, दो तरीके से आप इसकी हेल्प कर सकते हैं. इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आप स्कूल की सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ उनके अंदर पार्ट लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एसेट मटेरियल या फिर इक्विपमेंट लाकर दे सकते हैं. एक वॉलंटियर सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा जो एड स्कूल्स हैं उन दोनों को ही. विद्यांजलि ये एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है. विद्या का मतलब क्या होता है, करेक्ट नॉलेज, एक सही ज्ञान या फिर क्लैरिटी बुला सकते हैं हम. और अंजलि का मतलब क्या होता है, कि दोनों हाथों से ऑफर करना. फिर आगे बढ़ते हैं अगर इसका पहला क्वेश्चन में से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च किया है वतन प्रेम योजना. अब नारे ऑप्शंस हैं गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये गुजरात ने लॉन्च किया है. इसको देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इसने लॉन्च किया है, एक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है. इसके अंदर 1000 करोड़ रुपीज़ हैं जॉइंटली लेकर आए जाएंगे नॉन रेजिडेंट गुजरातीज़ के लिए. December 2022 तक इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि डेवलप किया जा सके जो विलेज एरिया है उसको, रूरल एरिया को. और इसके अंदर जो पब्लिक है और स्टेट है दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर हम पब्लिक की बात करें तो उसका 60% कंट्रीब्यूशन रहेगा और जो स्टेट है वो 40% कंट्रीब्यूशन करेगा. इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं वो लेकर आई जाएंगी. इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो इन्वाइट कर रही है कि नॉन रेजिडेंटल गुजरातीज़ हैं या फिर NRIs हैं वो इसके अंदर आएँ और कंट्रीब्यूट करें. इस स्कीम का एम है ताकि प्रोवाइड की जा सके अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो अपने प्रेम को, अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको एक सर्विस के रूप में दे अपने नेशन को. इस स्कीम के अंदर रूरल एरिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर ली जा रही है ताकि उस विलेज का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके. इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कवर की जा रही हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी स्कूल्स के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, और कम्युनिटी हॉल तैयार किए जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी बनाई जाएगी, CCTV सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, ड्रेनेज या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, और जो पॉन्ड्स हैं उनकी खूबसूरती को और निखारा जाएगा, बस स्टैंड बनाया जाएगा, सोलर एनर्जी पावर सेटेलाइट, सॉरी स्ट्रीट लाइट्स हैं ये, जो गली में लगने वाली लाइट्स होती हैं उनको सोलर एनर्जी से चलने वाली लाइट्स बनाया जाएगा. फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा फुटबॉलर है जिसने ब्रेक कर दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गोल हैं वो स्कोर किए गए हैं. तो इनमें से कौन सा फुटबॉलर है ये बताना हमें. अगर आप जानते हैं इनको पिक्चर देख के बता सकते हैं फिर तुम, और अगर नहीं जानते हैं तो गैस कीजिए. हमारे ऑप्शन हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर मोहम्मद सलाह या फिर नेमार. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगीज़ कैप्टन है, पुर्तगाल के लिए खेलते हैं ये.
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किसका? जो पहले थे अली देई, इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड था 109 का, लेकिन इन्होंने क्या किया है 111 गोल्स किए हैं। तो रोनाल्डो ने पिछले 36 साल के अंदर अपना जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर के रूप में, जिनको जिन्होंने अपने साल में अपने जो करियर है पूरा उसके अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। और फुटबॉल को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है सोकर, लेकिन ज़्यादातर जो क्रेज़ रहता है वो फुटबॉल का ही रहता है, सोकर बहुत कम सुनने में आता है। ये 2003 से 2021 के अंदर इनके जो प्रोएक्टिव ओवर स्पैम है 18 ईयर्स की जो इनका करियर रहा है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे और भी नए नए चैलेंजेस हैं जिनको फेस किया है और अपने आप को और भी ज़्यादा निखा रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, इंडिया रैंकिंग 2021 इसके बारे में बताना है। ये इंस्टीट्यूट किया गया है किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, इसने पहली पोजीशन पाई है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर, इसकी लगातार तीसरी बार हुआ है, लगातार तीसरे साल ये टॉप में रहा है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने रिलीज़ किया है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इस रैंकिंग के अंदर इसका जो 6th एडिशन है वो निकाला गया है, ये एनुअली निकाला जाता है, और इसके अंदर और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो प्रमोट किया जा सके दोनों सभी जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंस्टीट्यूट हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ाया जा सके। ओवरऑल कैटेगरी में और इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप में रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसे हम इन शॉर्ट IIT मद्रास बुलाते हैं, और यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, और मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, और कॉलेज में मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली के अंदर है, फार्मेसी के अंदर जामिया हमदर्द है, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, फिर मेडिकल की फील्ड में है एम्स दिल्ली, फिर आर्किटेक्चर में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है, और डेंटल में देखें तो हम कौन है, मणिपाल कॉलेज डेंटल साइंसेज, ये UDP के अंदर लोकेटेड है, और लॉ के अंदर देखें तो हम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इन शॉर्ट NLSUI बुलाते हैं, ये बेंगलुरु में है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि IISc बेंगलुरु है, ये भी टॉप में रहा है। फिर देखते हैं इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन किया हुआ हाई एश कोल गैसिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन किया हुआ हाई एश कोल गैसिफिकेशन जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे इन शॉर्ट हम BHEL बुलाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, जयपुर, कोची, मुंबई, हैदराबाद, तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। इंडिया का पहला ये बनाया हुआ है जो किसको इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली हैदराबाद के अंदर। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने फंड प्रोवाइड किए हैं, और इसके अंदर जो 10 करोड़ ग्रांट है वो दी गई है नीति आयोग के द्वारा, PMO ऑफिस जो प्रधानमंत्री ऑफिस होता है इंडिया का वो, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल की इसके द्वारा एड दी गई है। ये फैसिलिटी है ये क्रिएट करेगी 0.25 टन पर डे, TPD इसकी फुल फॉर्म यही होती है टन पर डे, इसके अंदर मिथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा हाई एस इंडियन कोल यूजिंग, इसके अंदर 1.2 TPD टन पर डे, फ्लूराइज्ड बेड गैसिफियर के द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर प्योरिटी है क्रूड ऑयल, अगर हम जो क्रूड मेथनॉल प्रोडक्शन हो रहा है उसकी अगर हम प्योरिटी को चेक करते हैं तो वो कितनी होगी, 98 से लेकर 99.5% तक रहेगी। मिथेनॉल को यूटिलाइज़ किया जा सकता है मोटर फ्यूल के रूप में, जैसे कि इसको हम शिप इंजन चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इससे जनरेट कर सकते हैं हम क्लीन, हमारे देश को हमारी दुनिया को क्लीन बना सकते हैं। मिथेनॉल को यूज़ किया जा सकता है जनरेट करने के लिए डी मिथाइल एथर, जिसे इन शॉर्ट हम DME बुलाते हैं, ये एक लिक्विड फ्यूल होता है जो कि लगभग सिमिलर होता है डीजल के। अगर हम जो एग्जिस्टिंग डीजल इंजन्स हैं उनको सिंपली हल्की फुल्की उसके अंदर चेंजेस करके अगर हम DME को यूज़ करते हैं डीजल की जगह पे, तो भी हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसीडर करना है इस भी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, हिमालय दिवस के बारे में बताना है। हिमालय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है
हर साल 10 सितंबर को, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तराखंड के अंदर। इस साल की थीम क्या रखी गई है, कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय, हिमालय का कंट्रीब्यूशन और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये 10 नहीं बल्कि यहाँ पे 9 सितंबर आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने ऑर्गेनाइज किया है हिमालय दिवस को, और ये किसके साथ में मिलकर किया गया है, नवला फाउंडेशन के साथ में। इस साल की थीम रखी गई है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयज अवर एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हिमालय दिवस ये 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, और सेलिब्रेट किया करने का एम क्या होता है, ताकि कंजर्व किया जा सके हमारे जो हिमालय का इकोसिस्टम है उस रीजन का उसको। और हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो नेचर है उसको, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है उसको सेव करने में, सस्टेन बनाने में, हमारे नेचर को और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में काम करती है। क्योंकि जो हिमालय के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो अगर हम हिमालय की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत होती है, बिकॉज उस टाइम साइड से जो भी खतरनाक हवाएं आती हैं वो हिमालय को टकरा कर वापस मुड़ जाती हैं, और हमारी तरफ से इसकी वजह से रेन भी होती है, बिकॉज हमारी तरफ से जो एयर है वो हिमालय से टकरा कर जब वापस आती है तो बारिश करती है। तो इस वजह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इसी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा एंड फ्यूना है और रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास में। हिमालय डे वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था उत्तराखंड के अंदर 2010 में। ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर नोट किया गया था जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कौन कौन से थे, इन्होंने जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था वो थे सुंदरलाल बेहंगना, अनिल प्रकाश जोशी और राधा बेन। और ऑफिशियली इसे हिमालय डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था 2015 के अंदर चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बाहर बारिश हो रही है तो आपको उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, कंसिडर करना है स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से, हम इंश्योर पीएम सब निधि भी बुलाते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, इस स्कीम की फैसिलिटी है जो अफोर्डेबल वर्किंग करने के लिए जो कैपिटल लोन है वो 10,000 रुपीज़ तक का मिल सकता है, और इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी मिलेगी। ये 7% पर एन्यूम मिलेगा रेगुलर रीपेमेंट के ऊपर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली, दोनों पर दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके अंदर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो क्या होती है, उनको जो सेंटर है वो पूरी तरह से पैसे देता है, जबकि सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनके अंदर कुछ हिस्सा सेंटर दिया देता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देती है और कुछ हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है, काफ़ी बार इसको कन्फ्यूज़ करके पूछा जा सकता है हमारे साथ में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिन्हें इन शॉर्ट हम MOHUA बुलाते हैं, इन्होंने कोलेबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और लॉन्च किया है एक पायलट ड्राइव जिसका नाम रखा गया है मैं भी डिजिटल 3.0। एक स्पेशल कैंपेन है डिजिटल ऑनगोइंग ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर आएं, और कितने कौन कौन कितनी सिटीज हैं इसके अंदर, 223 पूरी कंट्री से। इसके अंदर भारत पे, MSWIP या फिर फ़ोन पे, पेटीएम या फिर एक्वेयर, और इसके अंदर और भी सारी काफ़ी सारी जो पार्टिसिपेटिंग हैं वो इशू करेंगी UPI IDs और QR कोड, और उसके साथ साथ डिजिटल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी उनको। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं वो हैंड होल्ड करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, साथ ही साथ इन्हेंस करेंगे उनके अडोप्शन की, वो कैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हम शुरू से ही किसकी तरफ बढ़े हुए हैं, हमारी कैश पेमेंट्स की तरफ। डिजिटल पेमेंट के अंदर लेकर आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पहली बार जब मैंने यूज़ किया था तब मैं भी कन्फ्यूज़ थी काफ़ी कि मैं इसको यूज़ करूँ ना करूँ, ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो सबको डाउट होता है। तो अगर हम उसे धीरे धीरे अपने बिहेवियर के अंदर लेकर आएंगे तो उसकी आदत भी हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके लिए आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रमोट कर सकते हैं ये डिजिटल ट्रांजेक्शन, इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए जाएंगे इनको, और इशू किए जाएंगे जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके साथ में, और ये डबल QR कोड हैं वो प्रोवाइड करेंगे और ट्रेन करेंगे बेनिफिशरीज़ को, ताकि वो डिजिटल रिसिप्ट हैं वो पाएँ, और जो पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं वो एक वीक के अंदर डिस्पर्समेंट करें। पीएम स्वनिधि ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम की फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर अफोर्डेबल जो
कैपिटल लोन है वो मिल सकता है 10,000 रुपीज़ तक का, और ये सब्सिडी है मैंने आपको बताया है अप टू 7% रेगुलर पेमेंट के ऊपर मिलेगी, रेगुलर रीपेमेंट के ऊपर मिलेगी, पेमेंट नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया के जो टोलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर है ये रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है, तो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ये बताना है हमें, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, वाराणसी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। इससे पहले दिल्ली का जो आनंद विहार है वहाँ पे स्मोक टावर को इंस्टॉल किया गया है, लेकिन टोलेस्ट है वो चंडीगढ़ के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया का टोलेस्ट एयर प्योरीफिकेशन टावर है वो इनोग्रेट किया गया है यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ के अंदर, और इसको इंस्टॉल किया गया है एक इनिशिएटिव के थ्रू, जिसके अंदर जो चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है जिसे इन शॉर्ट CPCC बुलाते हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट चौक है सेक्टर 26 के अंदर, वहाँ पे प्यूस एयर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लगाया गया है, के द्वारा लगाया गया है। इस ये एक हाईएस्ट एयर प्योरीफायर टावर है, ताकि ये कंट्री के अंदर कवर करेगा एरिया कितना, इसके आसपास की जो रेडियस है उसके अंदर 500 मीटर तक ये कवर करेगा, और अगर हाइट की बात करें तो 24 मीटर हाइट तक ये बात करेगा, 24 मीटर तक ये कवर करेगा एरिया को। इस प्योरीफिकेशन टावर के अंदर ये क्लीन कर सकता है 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट एयर को, ताकि अपने जो जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको क्लीन कर सके। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में बताना है। ये मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है जो कि हमारे जो भगवान शिव है उनको डेडिकेटेड है। एंशिएंट टाइम में अगर बात करें तो वाराणसी सिटी को काशी बुलाया जाता था, और इसी की वजह से इस टेम्पल का नाम पॉपुलरली लिया गया काशी विश्वनाथ टेम्पल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होल्ड पर लगा दिया है जो ऑर्डर है वाराणसी हाईकोर्ट का, वाराणसी कोर्ट का, और उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव आर्कोलॉजिकल फिजिकल सर्वे होना चाहिए, ताकि इस डिस्प्यूट को जो ज्ञानव्यापी मोस्क और काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के ऊपर है उसको सॉल्व किया जा सके। हालांकि जो ऑर्डर है वाराणसी कोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट को अंडरलाइन करना चाहिए जो हाईकोर्ट की जो इंटरफेरेंस है, जिसके अंदर जो सबॉर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स हैं और कोर्ट्स हैं इसके अंदर, वो बाउंड होती हैं इसकी अथॉरिटी के अंदर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये गंगा की, जो गंगा नदी है हमारी उसके ऊपर लोकेटेड है, उसकी जो वेस्टर्न बैंक है उसके ऊपर। में से जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, इसके अंदर जो मेन डायटी है वो कौन है, श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर, जिनका लिटरली मतलब होता है कि ब्रह्मांड का देवता भगवान। इस टेम्पल को जो वर्शिप है होती है हमारे जो शिव भगवान है या फिर शैव फिलोसफी मानी जाती है, उसके अंदर जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो इसको सेंटर में मानते हैं, मतलब कि सबसे बड़ा मानते हैं। इसके अंदर क्लेम किया गया है कि इस टेम्पल को काफ़ी बार डिमोलिश किया गया है पूरे वो जो एंशिएंट टाइम है हमारा उसके अंदर, लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर है वो इस टेम्पल का 1780 में बना था, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, मराठा रूलर, ये कौन थी, अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस भी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, स्वच्छ सुरक्षा सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के बारे में बताना है। ये लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो अंडर, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन है वो अंडरटेक करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कंट्री वाइड, और सपोर्ट करेंगे जो एक्सेलरेशन है ODF, जो ओपन डेफिकेशन प्लस कोशिश बनाने की कोशिश की जा रही है कि खुले में शौच मुक्त बनाया जा सके भारत को। इसके अंदर इंटरवेंशन है वो इंक्रीज किए जाएंगे, और इनसे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, मिनिस्टर जल शक्ति इन्होंने प्रेसाइड किया है एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने एक ई लॉन्च किया है किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर, इसके अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, जिसे इन शॉर्ट DDWS बुलाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसने कमीशन किया है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, इसको 2 ओकेजन के ऊपर पहले भी लॉन्च किया गया, 2 बार पहले भी वो किया है, लॉन्च किया है, जो कि 2018 और 2019 के अंदर किया गया है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है वो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पार्ट है,
इसके अंदर 17,475 विलेजेस हैं वो इंक्लूड हैं और 698 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरी इंडिया के अंदर जो कि कवर करते हैं 87,250 जो कि कवर किए जाएंगे 87,250 पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो कि हैं स्कूल, आंगनवाड़ी, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, हाट, बाजार, रिलीजियस प्लेसेस और जिनके अंदर ये 17,475 विलेजेस भी इंक्लूड हैं जहाँ पर सर्वे किया जाएगा, पर्सनली विजिट किया जाएगा यहाँ पे सर्वे करने वालों के द्वारा। काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट्स हैं वो भी ऐड किए गए हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंदर। इसके अंदर एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं, इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक वेस्ट और साथ ही साथ फेशियल स्लज मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। अवेयरनेस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी बताया जाएगा और उसको कैसे मैनेज करना है, डिस्पोज करना है उनको भी बताया जाएगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है वो दी गई है अलग अलग एलिमेंट्स को, वो कौन कौन से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सैनिटेशन विलेज के अंदर जिनके अंदर HSS और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो इंक्लूड हैं। इसके अंदर 30% फोकस दिया जाएगा। उसके बाद में सिटीजन की फीडबैक है जिसके अंदर इंक्लूड है कि वहाँ पर रहने वाले कॉमन जो सिटीजन है वो और जो विलेज के ऊपर जो विलेज लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं उनका और साथ ही साथ वो सिटीजन जो कि ऑनलाइन यूज़ करते हैं ऐप को, मोबाइल ऐप को, उनको 35% उनका फोकस होगा, उनके ऊपर 35% फोकस होगा और सर्विस लेवल प्रोग्रेस के ऊपर जो सैनिटेशन रिलेटेड जो पैरामीटर हैं उनके ऊपर 35% फोकस होगा। आप आगे देखते हैं, कंसिडर करना है सभी स्टेटमेंट को किसी रिस्पेक्ट में। डुगोंग के बारे में बताना है, डुगोंग है ना वो एक स्टेट एनिमल है अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स का। ये एक अकेला हर्बीवोरस है, एक शाकाहारी एनिमल है जो कि स्ट्रिक्टली मरीन है और सिर्फ और एक्सटिंक्ट होने वाला है और अकेला है डुगोंगाइड जो दुर्लभ स्पीसीज बची हुई है डुगोंडेड फैमिली की। एक दुर्लभ स्पीसीज, अकेली स्पीसीज बची हुई है डुगोंडेड फैमिली की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, तुम्हारा सर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों ही दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देख लेते इसको। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर है वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर ताकि कंजर्व किया जा सके डुगोंग को। ये एक मैरीन एनिमल है जो कि वल्नरेबल टू एक्सटेंशन कैटेगरी के अंदर आता है IUCN की जो वर्ल्ड लिस्ट है उसके अंदर। पार्क बे लोकेटेड है, ये पार्क बे के ऊपर बनाया जा रहा है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, वो लोकेटेड है इंडिया के बीच में, इंडिया का तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो कोस्ट है उसके ऊपर। और जो डुगोंग है वो एक सी काऊ भी बुलाते हैं, डुगोंग को सी काऊ जो समुद्री गाय है वो भी बुलाते हैं। ये स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार आइसलैंड का। ये इंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज है जो कि सर्वाइव करती है किसके ऊपर, जो सी के अंदर जो सी ग्रास होता है उसको खाती हैं या फिर एक्वाटिक वेजिटेशन है इसके आसपास का उसको खाकर जिंदा रहती हैं। ये सिर्फ अकेला हर्बीवोरस मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मैमल है, स्ट्रिक्टली मरीन है और इसको एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जो कि अकेली बची हुई है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडिया में ये पाया जाता है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ म्यांमार, पाल्क बे, अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स के अंदर। फिर ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है बाटला, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मुंबई। तो उसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय।